के साथ सृष्टि जैन। दहेज के लिए जान से मार देने वाला केस पीड़िता अंजू मेहरा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक विषाक्त अपराधी इस मामले में पकड़ा गया है, जो कि लड़के का मामा बताया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा ये बताया गया है कि इस पूरे मास्टरमाइंड का जो अपराधी है वो इस लड़के का मामा है, जिसका नाम उमर अली है। ग्रामीणों ने मुजरिम को पकड़कर गोविंदपुर थाना में सौंप दिया है। देखिए अरुण की ये रिपोर्ट। वो रामपुर मोहबनी में वो छुपे हुए थे, कुछ वैसे गुप्त सूचना के आधार पर पब्लिक जो है, खास करके लड़की के पापा भी वहां पहुंचे और पब्लिक उसको खदेड़ कर पकड़ा गया। और ये पता चलने के बाद जो है, काफी पूरे जनता, पूरे जंगलपुर से हो या पूरा गोविंदपुर के लोग यहां पहुंचे हुए हैं। इंसाफ की गुहार है, वैसे लोगों को जेल भेज के और वैसे लोगों को फांसी देना चाहिए। हम लोग यही अपील करते हैं। कहां लेके गया? अभी लेके तो उन लोग बताया गया थाना से, डीएसपी साहब बताए कि मुनिडीह थाना ले जा रहा है और वहां पूछताछ किया जाएगा, बाकी लोगों को उसके साथ अरेस्ट किया जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर थाना वाले पकड़ के लाए कि आम जनता पकड़? नहीं, पब्लिक पकड़ के दिया। ये गांव वाले, पूरे गांव वाला लगे हुए हैं, पूरा गांव वाला लगे हुए हैं एक दूसरे को सूचना गुप्त रूप से लोगों के पीछे में, और गुप्त रूप से पता चला, इसके वजह से उनके पापा पहुंचे। उनको पापा पहुंचने के बाद उन्हें पहचान किया गया, फिर उसके बाद थाने वाले को सूचना दिया गया, फिर उनको लाया गया। दोनों पकड़ा लिया मेरे साथ, मैं मोहबनी तक गया, रामपुर मोड़ से वो लोग निकल रहे थे, गुप्त में टेम्पो के साथ निकल रहा था, तब रफीक ने बोला कि गमछा ओढ़ा हुआ एक आदमी निकल रहा है, इसको पहचान कीजिए। मैंने कहा यही शख्स है, तो बरिया मोड़ ने हम लोग टेम्पो को रोका और रोकने के बाद उसको निकाले, पहचाना गया कि यही उमर अली अंसारी है। तब सबों को मैंने खबर दिया, उसमें हमारे गांव के मथुआ जी, मन्नू आलम जी, अफजल जी, जितने भी प्रखंड के हैं, अख्तर जी और सौरभ जी, मुखिया साहब, यानी इस प्रखंड के जितने भी लोग हैं, सब ने मिल के मदद किया कि इसको मारपीट मत किया जाए, प्रशासन का हाथ में मत लीजिए। फिर थाना को बुला के हम लोग उसको सौंपा, फिर वही सबके सामने यहाँ आज भेजा गया। आप लोग चीज का सूचना दे रहे थे कि लड़की के साथ मारा जा रहा है, नजर नहीं आ रहा। हाँ, सीधी सी बात है, जो एक महीना से सारा रिपोर्ट को हम लोग दे रहे हैं, लड़की को मारा जा रहा है, लड़की को नशा का नशीली पदार्थ दिया जा रहा है, ये सारा रिसीविंग हम लोग की है। लास्ट में हम लोग वन स्टॉप में और कल्याण समाज में हम लोग मांग की है कि 10 दिन का कस्टडी में रख के लड़की को काउंसलिंग किया जाए, और लड़की को क्या क्या उसके साथ हुआ है ये सारा चीज लड़की को जांच किया जाए, ताकि सारा चीज पता चल जाएगा कि वो लड़की के साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन उसमें भी प्रशासन हम लोग को यही बोल के बताया गया कि 18 साल के बाद लड़की ससुराल की होती है और लड़की आने नहीं चाह रही है, डॉक्टर के पास कैसे लाएंगे, जबकि वन स्टॉप वाला वहाँ पर लिखित सूचना दिया कि हम लोग को लड़की को 10 दिन के लिए कस्टडी में दीजिए, लड़की बहुत तकलीफ में है, उसके बावजूद भी जिंदा में लड़की को अगर दे दिया जाता तो आज लड़की जिंदा रहती। अभी पकड़ाया गया तो बाकी मुजरिम पकड़ाने का कब तक संभावना है? देखिए, ये मुजरिम नहीं, जो पकड़ाया अंजू मारा का हत्याकांड का आरोपी, ये मास्टरमाइंड है, ये उन लड़का का मामा है, शहाबुद्दीन का मामा है, हत्यारा का मामा है, और यही मास्टरमाइंड है। और ये पकड़ाने के लिए हमारे गोविंदपुर कुंडी का लोग रात दिन एक किए हुए हैं, जिसमें एमसीसी नेता अख्तर अंसारी ने नाटक के स्टाइल में इनको बड़ी मोड़ बुलाया और वो स्वयं पकड़ करके थाना का हवाला किए। मैं थैंक्स बोल रहा हूँ अख्तर अंसारी जी को, बधाई दे रहा हूँ अख्तर अंसारी जी को कि उन्होंने अंजू मारा हत्याकांड का मास्टरमाइंड को पकड़ा और पकड़ करके प्रशासन का हवाला कर दिया। और मैं यूं ही, हम लोग चुप नहीं है, इनका हर एक हत्यारा को, हर एक आरोपी को प्रशासन पकड़ करके जेल भेजे, और जेल भेजने के साथ साथ हम लोग यूं ही चुप नहीं रहूंगा, बल्कि इन कातिलों को सजाए मौत होनी चाहिए, तभी हम लोग शांत बैठे।